हेलो फ्रेंड्स, प्रीति नीटिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स ये देखिए, आज मैं आपके लिए कितना सुंदर डिजाइन लेकर आई हूँ। ये बॉक्स बने हुए हैं इस डिजाइन में। ये देखिए, ये पहले मैंने छोटा सा बॉर्डर बनाया, ये तीन हाथ मैंने ग्रीन कलर से बुन लिए हैं और तीन व्हाइट कलर से। और ये वाले बॉक्स जो है हमारे, ये तीन तीन के मल्टीपल पर बन जाते हैं। और पहले ये छोटे वाले जो बॉक्स है, इसमें मैंने तीन हाथ बुने हैं और सेकंड वाले बॉक्स में, इन वाले बॉक्स में मैंने फोर हाथ बुने हैं। ये जिससे कि नीचे वाले छोटे हो जाएं और ऊपर वाले थोड़ा सा बड़े हो जाएं। ये देखिए, ये डिजाइन हम किसी भी जर्सी में, बच्चों की स्वेटर में या फिर कार्डिगन में, किसी प्रोजेक्ट पर भी हम इसे यूज कर सकते हैं। और इसमें मैंने 32 फंदे लिए हैं, ठीक है। और ये देखिए, अब मैं इसे ऊपर से आपको बनाकर दिखाऊंगी, इसी के ऊपर बनाकर दिखाऊंगी। ये फर्स्ट रो हमारी यहाँ से शुरू हो जाती है, ये वाली, ये हमारी फर्स्ट रो होगी व्हाइट कलर से। ये मैं यहाँ पर बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारी फर्स्ट रो यहाँ से शुरू हो जाती है ऐसे। ये पहला फंदा स्लिप कर लेते हैं और दूसरा बुन लेते हैं। ये हमारी पूरी फर्स्ट रो ऐसे ही सीधी तरफ से बुनी जाएगी। इसमें किसी भी तरह की कोई बुनाई नहीं है, इसमें सीधा ही है, लेकिन फंदों का ध्यान रखना है हमें, किस कलर के कौन से फंदे कितने तरह बुनने हैं। ये देखिए, ये हमारी फर्स्ट रो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ये देखने में बहुत सुंदर लगता है और बुनने में बहुत ही आसान है। ये फर्स्ट फंदा हमने स्लिप कर लिया और सेकंड फंदे पर हम ये डिजाइन अपना शुरू कर देते हैं। ये देखिए, ये हम इस वाले धागे से इसको ऐसे बनाएंगे उल्टी तरफ से। ये देखिए, ये तीन फंदे हमारे ग्रीन कलर से हो जाते हैं, फोर्थ फंदा हम व्हाइट कलर से ही बुन लेते हैं। ये देखिए, हमें ये वाली पूरी रो ऐसे कंप्लीट करनी है, तीन फंदे ग्रीन कलर से और एक फंदा व्हाइट कलर से बुनना है। ये देखिए, ये मैंने पहले तीन फंदे ग्रीन कलर से बुन लिए हैं और एक व्हाइट से। अब हम फिर से ये ग्रीन कलर ले लेते हैं। ये देखिए, 1 2 3, देखिए व्हाइट कलर का हो गया और ये ग्रीन कलर से। ये सेकंड रो हमें पूरी ऐसे ही कंप्लीट करनी है। और इसमें हमारे यहां पर तीन फंदे बच जाते हैं। ये देखिए, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, ये इधर हमें एक फंदा और लेना था। ये हमारे बराबर के फंदे स्पेस के हैं, ये हम व्हाइट कलर से ही बुन लेते हैं। पहला फंदा स्लिप कर लेते हैं, दूसरा ऐसे ही बुन लेते हैं सीधी तरफ से। ये देखिए, और फिर हम ये वाले फंदे ऐसे ही, जिस जहां हमने ग्रीन बुना था वहीं पे हमें ग्रीन बुनना है, और जहां पर हमने व्हाइट बुना था वहीं पर हमें व्हाइट ही बुनना है। ये देखिए, तीन फंदे ग्रीन से, ये इसकी सेकंड रो डिजाइन की शुरू हो जाती है। इसमें भी तीन फंदे ग्रीन से और एक व्हाइट से, ऐसे ही हमें बुनना होता है।
ये देखिए ये वाली रो भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। ये वाला फंदा हम व्हाइट कलर से ही बुन लेते हैं। ये पहला फंदा स्लिप कर लिया और ये तीसरी रो भी हमें ऐसे ही बुननी होती है। ये ग्रीन कलर से तीनों फंदे ग्रीन कलर से बुन लेते हैं और ये एक फंदा व्हाइट कलर से बुन लेते हैं। ये वाली रो भी हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी होती है। इसे बुनना बहुत ही ज्यादा आसान है। ये देखिए ये हमारी यहाँ पर तीन रो कंप्लीट हो चुकी है और इसके ऊपर हमें ये वाला धागा अब की बार बुनना है। देखिए ये तीन रो कंप्लीट होने के बाद में हमें पूरी ये वाली रो फोर्थ रो हमें ऊपर की तरफ सीधे हाथ में व्हाइट कलर से ही बुननी होती है। ये पूरी रो हम व्हाइट कलर से बुन लेते हैं। ये देखिए ये वाली रो भी हमारी पूरी कंप्लीट हो जाती है और इसमें हमें एक रो और व्हाइट कलर से बुननी होती है। ये देखिए उल्टी तरफ से भी हम इसको व्हाइट कलर से ही बुन लेते हैं। देखिए ये दोनों रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है व्हाइट कलर की। ये देखिए अब इसके ऊपर हम ये वाले बड़े बॉक्स बनाएंगे। ये हमारे नीचे के छोटे बॉक्स हो गए हैं और ये ऊपर के बॉक्स। पहला फंदा स्लिप कर लेते हैं और ये वाले फंदे हमको व्हाइट ही बुनने हैं। ये हमारे एक्स्ट्रा फंदे थे, इसमें तीन फंदे एक्स्ट्रा थे ये हमारे। ये देखिए अब हम इसमें डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। ये हम ग्रीन कलर से ले लेते हैं तीन फंदे।
और ये वाला फंदा हमें पहले की तरह ही व्हाइट से लेना होता है। फिर तीन फंदे ग्रीन कलर से, इसी के ऊपर हमें ये वाला डिजाइन शुरू करना होता है। दोस्तों अगर इसे हम पूरी जर्सी में बनाएंगे बच्चों की तो ये बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। ये देखिए ये वाली रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है और हमने ये एक हाथ बुन लिया है यहाँ पर, इसके ऊपर हम तीन हाथ और बुन लेते हैं तो ये हमारा डिजाइन पूरा कंप्लीट हो जाता है।